इसराइल हमास युद्ध की वजह से उत्तरी इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला ने इस कदर कहर बरपाया है कि अब इजरायली सेना हिजबुल्ला से सीधे जंग की तैयारी कर रही है। हिजबुल्ला बार बार उत्तरी बॉर्डर पर लगातार बमबारी और मिसाइल रॉकेट हमले कर रहा है, जिससे इसराइल का ये इलाका वीराने में तब्दील हो चुका है। और तो और, जैसे ही IDF इस इलाके में अपना कोई नया ठिकाना बनाती है, हिजबुल्ला उस पर भी हमला कर देता है। और इन्हीं हमलों को लेकर हिजबुल्ला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले सफाद के बिरिया इलाके में एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्ला ने यहाँ पर रॉकेट का पूरा जत्था ही दाग दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर भीषण आग लग गई। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने सफाद से लेकर अल जलील में कम से कम 40 रॉकेट फायर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला का कहना है कि उसने बेरिया बैरिक्स पर ग्रेट टाइप रॉकेट का एक पूरा साल्वो फायर किया है, जो इजरायली सेना की नॉर्दर्न कमांड की प्रमुख एयर डिफेंस यूनिट की मेजबानी करता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने ये हमला IDF द्वारा दक्षिणी लेबनान के अल नबातिया और सुमोर शहर में किए गए हमलों के जवाब में किया था, और हिजबुल्ला के जवाबी हमले की वजह से सफाद में अचानक से अंधेरा छा गया। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसका सामना करने में चुनौतियों का सामना कर रहा था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले की वजह से एन जेतिम सेटलमेंट और सफाद में जबरदस्त आग लग गई। और बड़ी बात यह है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि ये हालिया हफ्तों में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा रॉकेट साल्वो हमला था। और इस हमले के इतर भूमध्य सागर के अल नकोरा नेवल बेस पर भी हिजबुल्ला ने कई आत्मघाती ड्रोन फायर किए हैं, और इन ड्रोन हमलों की वजह से इजरायली सेना को यहां भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी लेबनान के आयतरोन, हौला, अल खायम और रामिया में भारी तबाही मचाई है। इजरायल के लड़ाकू जहाजों ने इन इलाकों में कई एयर स्ट्राइक की हैं। इसके अलावा IDF ने अल नकोरा, अलमा अल शहाब, अल हबारिये, कफार किला और हाता में कई हमले किए हैं।